आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप इस तरह किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल से एक एप्लीकेशन की मदद से। हम आपको ऑफलाइन तरीका बताएंगे क्योंकि ऑनलाइन में आप जो रिमूव करते हैं वो अच्छे तरीके से रिमूव नहीं होता है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है पिछला वाला जो वीडियो मैंने बनाया था कि ऑनलाइन में आप इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप खुद से अपने हाथों से किस तरीके से एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से ऑफलाइन में अपने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को अपने फ़ोन से ऑफलाइन में कैसे रिमूव कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं हूं अरमान, आप देख रहे हैं फास्ट फिक्सर किंग। चलिए इस ट्रिक को करने के लिए हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसके बाद ओपन करना है। यहाँ क्लिक करके आपको अपने यहाँ गैलरी से इस इमेज को सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। तो इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके अपने फ़ोन पर इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाकर इंस्टॉल कर लेना। तो एप्लीकेशन को ओपन करना है कुछ इस तरह, बैकग्राउंड को रिमूव करना। जैसा कि आप देख सकते होंगे नीचे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, तीनों में से जो ये वाला ऑप्शन है जिसमें अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तीनों ऑप्शन को इस्तेमाल करके देखना जिसमें अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो उसी ऑप्शन को आप रखना। वक्त जो है ये मेरे हिसाब से आप ये जो है कैंची के बाद जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है उस वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करना। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को आप रिमूव कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से बहुत ही आसान से। अगर आपके बैकग्राउंड में एक ही कलर है, मतलब मल्टीपल कलर नहीं है, ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन है, तो उसके लिए आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आप बहुत ही आसानी से क्रोमा को एनेबल कर सकते हैं, इमेज क्रोमा को एनेबल करके उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो का जो है ये वीडियो ये 10 मिनट का हुआ था, इसे मैंने 10x स्पीड किया है तो आपको इसके फास्ट दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपल सा रिमूव करना है, यहाँ ऊपर राइट पर क्लिक करके यहाँ आपको एक या फिर दो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर सेव का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर SD कार्ड का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर आपका जो इमेज है वो PNG फॉर्मेट में आपके गैलरी में HD क्वालिटी के साथ सेव हो जाएगा।